प्रभु यीशु हमें समझाना चाहते हैं कि इन सभी भूमिकाओं में से एक भूमिका है जो अत्यंत उत्तम है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। सबों को जय श्री ख्रिस्त में। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में हम सभी कोई न कोई भूमिका निभाते आ रहे हैं। कुछ लोग पिता की भूमिका निभाते हैं, कुछ माँ की भूमिका निभाते हैं, कुछ भाई की भूमिका, तो कोई बहन की भूमिका निभाते हैं। और ये सभी भूमिकाएं हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हमारे परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे प्रियजनों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन आज सुसमाचार में जो मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37 तक लिया गया है, प्रभु यीशु हमें समझाना चाहते हैं कि इन सभी भूमिकाओं में से एक भूमिका है जो अत्यंत उत्तम है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यह भूमिका महत्वपूर्ण और उत्तम इसीलिए है क्योंकि इस भूमिका को निभाने के बाद हमें सीधा स्वर्ग का रास्ता मिलेगा, सीधा स्वर्ग की टिकट हमें मिलेगी। और जानते हैं वो भूमिका कौन सी है? ध्यान से सुनिए प्रभु यीशु के स्वयं के वचनों में क्या लिखा है। प्रभु यीशु कहते हैं, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। प्रभु का वचन कहता है, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन। और फिर प्रभु कहते हैं, जो पहला होना चाहता है वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। प्रभु ने यह बात तब कही जब शिष्यों में आपस में बहस होने लगी कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। मेरे मित्रों, सबसे पहली बात ये कि माता पिता का होना तो बेहद ही जरूरी है, यह भूमिकाएं बेहद जरूरी है। लेकिन माता पिता तो सेवक होते ही हैं, वो अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बहन भाई एक दूसरे की सेवा करते हैं, परिवार का सब सदस्य, सारे सदस्य एक दूसरे की सेवा करते हैं। लेकिन आज के पाठ का चैलेंज ये है कि परिवार में तो हम सभी सेवक हैं, लेकिन परिवार के बाहर जाकर क्या हम सेवक बन सकते हैं? एक छोटी सी घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ, बचपन की एक छोटी सी घटना। एक दिन मैं अपने एक नए दोस्त के साथ खेल रहा था, अपने स्कूल के पास खेल रहा था, तो खेलते खेलते मुझे बहुत प्यास लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में जाकर थोड़ा सा पानी पी लूं। तो मैं अपने दोस्त से कहा कि मैं घर जाना चाहता हूं, पानी पी के आऊंगा। तो दोस्त ने कहा, मेरा घर नजदीक है, तू मेरे घर में आ जा। तो मैं उसके साथ खुशी खुशी गया। शायद मेरा दोस्त या तो फिर उत्तर भारत का था या फिर यूपी या बिहार का शायद था। जब मैं उसके घर गया तो उसने अपनी माँ को बुलाया और कहने लगा कि मेरे दोस्त को पानी पिला दो। तो उसकी माँ जब बाहर आई, उसने मुझे देखा और उसने कहा कि तुम किस धर्म के हो। तो मैंने कहा, मैं ईसाई हूँ, मैं ख्रिस्ती हूँ। जैसे ही मैंने कहा ख्रिस्ती हूँ, तो उसकी माँ का चेहरा बदल गया। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें यहाँ पानी नहीं मिलेगा, तुम अपने घर जाओ। तो मैं उदास होकर घर जा ही रहा था, जैसे ही मैंने उनके फाटक के बाहर कदम रखा, तो उसकी माँ ने तुरंत एक बाल्टी पानी लाकर उस स्थान पर फेंक दिया जहां पर मैं खड़ा था। शायद वो अपने आंगन की शुद्धिकरण कर रही थी, क्योंकि मैंने उसके आंगन को प्रदूषित कर दिया था। मेरे मित्रों, आप बताइए, जैसे कि मैंने कहा, हम घर में तो सेवक बन सकते हैं, अपने माता पिता की सेवा कर लेंगे, पति पत्नियों की सेवा कर लेंगे, लेकिन क्या बाहर के जो लोग हैं, जिनको हम शायद नीचा समझते हैं, जिनको शायद नीच जात की समझते हैं या निम्न वर्ग के लोग समझते हैं, क्या उनकी सेवा हम कर सकते हैं? प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं आज कि यदि उनके सामने अगर हम झुक ना पाए तो हम प्रभु के सामने कभी झुक नहीं पाएंगे और स्वर्ग राज्य में हमारे लिए कभी जगह नहीं होगी, कभी जगह नहीं होगी। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं कि हम झुक क्यों नहीं सकते, हमें सेवक बनने में क्या रोक है, हमें ऐसी कौन सी चीज है जो हमें सेवक बनने से रोकती है। छोटी सी कहानी सुन लीजिए। एक दरबार था, राजा का दरबार था। राजा अपने सिंहासन पर बैठा था और राजा के दोनों ओर छोटे छोटे दिए जल रहे थे।
बेहद ही सुंदर से छोटे से दिए जल रहे थे। तो उन दियों के बीच में दीपकों के बीच में आपस में बातचीत होने लगी। तो सबसे पहला दीपक कहने लगा कि देखो हमें देखने के लिए कितने लोग आए हैं, क्योंकि दरबार भरा हुआ था। तो पहला दीपक कहने लगा देखो हमें देखने के लिए कितने लोग आए हैं, लेकिन मुझे दुख लग रहा है कि मेरी जो जोत है वो छोटी सी है। मैं इस जोत को बढ़ाना चाहता हूँ, बहुत बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो अपनी जोत को बढ़ाने की कोशिश करने लगा। इतने में जो बगल वाला दीपक था, जो राजा के उस ओर रखा गया था, वो कहने लगा भाई ऐसा मत कर, क्योंकि तू जो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा करने की कोशिश मत कर, क्योंकि लोग तुम्हें देखने नहीं आए, लोग तो राजा को देखने आए हैं, जो राजा तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारी जोत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुम्हारी जोत के कारण ही राजा दिखाई दे रहा है। लोग राजा को तुम्हारी जोत की वजह से देख पा रहे हैं, लेकिन वह जो दीपक था वो बड़े घमंड से कहने लगा, ना मैं नहीं मानता, लोग मेरी दीप को देखने आए हैं, मेरी जोत को देखने आए हैं, मैं तो बढ़ा दूंगा अपनी जोत को। तो वो बढ़ाता गया, उसकी जो ज्योति थी, उसकी जो लौ थी, उसको बढ़ाता गया और बड़े घमंड से लहराने लगा, और उसे लगने लगा कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं और न कि राजा को। इतने में राजा को एहसास हुआ कि उसका जो दरबार था वो काले धुएं से भर रहा है। तो राजा ने कहा ये धुआं कहां से आ रहा। तो उसे एहसास हुआ कि मेरे बगल में जो दीपक है उसकी लौ बढ़ गई है। तो उसने अपने सेवक से कहा, सेवक यहां तुरंत आओ और इसे फूंक कर बुझा दो। मेरे दोस्तों, वो सेवक आया और उसने उसे फूंक कर बुझा दिया। उस दीपक का घमंड चूर चार हो गया, टुकड़ों में बट गया, बिखर गया। मेरे मित्रों, इस संसार में हम लोग भी दीपक की तरह हैं। हमें जानना जरूरी है कि हम हैं कौन और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये छोटी सी जो दीपक है ना, वो हमें सिखा रही है कि हम कौन हैं और हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम मात्र इस जीवन में प्रभु के लिए जलने के लिए आए हैं, ताकि हम अपने लिए जलते नहीं हैं। मेरी जो लौ है, मेरी जो दीपक है, वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे राजा के लिए है, और वो मेरे लोगों के लिए है, दरबारियों के लिए है, ताकि लोग मेरे राजा को देख सके मेरे दीपक के द्वारा। लेकिन अगर मैं अपने ही लौ के ऊपर घमंड करने लगूं, तो एक दिन आएगा जब मेरी लौ ही बुझा दी जाएगी, मेरे दीपक ही बुझा दिया जाएगा। मेरे मित्रों, ध्यान से सुनिए प्रभु का वचन क्या कहता है। याकूब का ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 6, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। ईश्वर घमंडियों का तो विरोध करेगा ही, लेकिन विनीतों को क्या करता है, वो उनको अनुग्रह देता है, ताकि वो और जलें, खुद के लिए नहीं, प्रभु के लिए और औरों के लिए जलते जाएं और अपने प्रकाश से लोगों को आलोकित करते रहें। मेरे मित्रों, हमें प्रभु के अनुग्रह की क्यों जरूरत है? प्रभु के अनुग्रह की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लोगों के सामने झुकने के लिए हमें कृपा चाहिए। ईश्वर की कृपा के बिना हम झुक नहीं सकते। हम दूसरों के सेवक बनने के लिए हमें झुकना जरूरी है। हम पुण्य बृहस्पतिवार के दिन त्योहार मनाते हैं, जब हम लोगों के पैर को धोते हैं। पुरोहित लोगों के पैर को धोता है, लेकिन धोने के लिए उसे घुटने टेकना जरूरी है, उसे सर झुकाना जरूरी है, पानी डालना जरूरी है, तौलिए से पोछना जरूरी है, और जब वो पोछ देता है तो उसके पैर को चूमना जरूरी है, और ये सब करने के लिए उसे अपने मस्तिष्क को, अपने सिर को झुकाना पड़ता है। और इसीलिए औरों के सामने सेवक बनने के लिए विनम्रता बेहद जरूरी है मेरे मित्रों, और यह मुश्किल काम है। चाहे भले ही मैं बड़ा नेता ही क्यों ना बन जाऊं, चाहे मैं राष्ट्रपति ही क्यों न बन जाऊं, चाहे मैं प्रधानमंत्री ही क्यों न बन जाऊं, लेकिन यदि मैं सेवक नहीं हूं तो मेरे पद की कोई वैल्यू ही नहीं है, मूल्य ही नहीं है। प्रभु यीशु आज हमें वही समझा रहे हैं। जब तक हम सेवक नहीं बन पाएंगे, सेवक बन के खुद को विनम्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम दूसरों के सामने झुकना नहीं सीख जाएंगे, स्वर्ग राज्य में हमें प्रवेश नहीं मिल पाएगा। वचन को ध्यान से सुनिए, प्रभु का वचन क्या कहता है। फिलिप्पियों के नाम
अध्याय 2 पद संख्या 6 से प्रभु कहते हैं, वास्तव में ईश्वर वह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था वह ईश्वर की बराबरी कर सके, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समान बनकर खुद को दीनहीन बनाया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया, और इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सभी नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेक सकें। मेरे मित्रों, आइए हम विनम्रता के गुण के लिए प्रार्थना करें ताकि हम भी सेवक बन सकें, दूसरों को नीचा न दिखाएं बल्कि दूसरों के सामने झुकना सीखें। सबों को जय श्री।